विरोध प्रदर्शन किया है, जो अभी अहलुवालिया साहब ने जो बयान दिया हम लोगों के ऊपर कि ये नेपाल का है, उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया है। और उसके इससे पहले भी ये ऐसा इंसिडेंट बार बार होता है, बार बार हुआ है। कोई ऐसे ही आम आदमी बोलता है कि हम लोग नेपाल से आए हुए, अब जो मूवमेंट है गोरखालैंड मूवमेंट का जो मेन एक फैक्टर है ये बाहर का ये आइडेंटिटी इशू इसीलिए होता है। तो ये अलग बात है कि कोई कॉमन आदमी बोलता है, लेकिन अभी तो जो यहीं से जो इलेक्शन में इलेक्टेड होकर हम लोगों ने उसको वोट में जितवा कर MP बनाकर अभी स्टेट मिनिस्टर हुआ, वही बोलता है कि यहाँ के जो भूमिपुत्र के बारे में बोलता है कि ये नेपाल से आए हुए हैं। तो उसमें हम लोगों का एकदम संतुष्ट नहीं है, एकदम विरोध है। और विरोध जताने के लिए हम लोगों ने उसका पुतला दान किया है। माफ़ी क्या है, माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता इसमें। माफ़ ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि माफ़ी से पूरी हो जाए। अगर वो सचमुच में अगर उसको ये जो बोला है उसका उसको कुछ अगर उसका इल्म है कि क्या किया है तो वो हम लोग स्टेट उठते थे। अगर वो साथ आए तो नहीं देगा, ST नहीं देता है उन लोगों का। अभी ये जो उसका जो मुंह से अभी शायद लगता है उसको ऐसा मुंह से फिसल गया वर्ड, इसका जो मन में था वो अभी दबाए हुए था। तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोगों के लिए फॉर्चुनेटली होगा, उन लोगों के लिए और अनफॉर्चुनेट होगा। फॉर्चुनेटली उसका जो मन की बात है वो बाहर आ गया। अब बाढ़ के लोगों को जो गोरखा लोग हैं उसको BJP की स्टैंड क्या है, उसके रूप क्या है, वो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को समझना है हम लोगों को क्या करना है, और सबको हम अपील करते हैं कि इसको एकदम आंसर देना है।